के दम पर रीवा में एक 52 साल के इंसान ने ब्लड कैंसर को मात दे दी है और उस पर काबू पाया है। निरंतर योग के चलते कैंसर का संक्रमण आगे नहीं बढ़ पाया। खुद पर प्रयोग सफल होने के बाद वो अब दूसरों को भी योग करने की सलाह दे रहे हैं, जिससे लोग योग से कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों को हरा सके। रीवा शहर के हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी में रहने वाले 52 वर्षीय अरुण पांडे को ब्लड कैंसर के साथ ही किडनी में भी इन्फेक्शन हो गया था, जिसके बाद उन्होंने अपना इलाज रीवा के साथ ही नागपुर और उसके बाद दिल्ली के एम्स में कराया। उसके बाद भी उन्हें इस तकलीफ से कोई राहत नहीं मिल पा रही थी, जिसके बाद उन्हें किसी ने योगा करने की सलाह दी, जिसके बाद उन्होंने योगा क्लास ज्वाइन की और 1 से 2 घंटे प्रतिदिन योगा करने लगे, जिसके बाद अब 80% तक उनकी बीमारी कैंसर से दूर हो चुकी है और वो निरंतर योगा कर इस बीमारी को पूरी तरीके से दूर भगाना चाहते हैं। हालांकि जब से उन्होंने योगा करना शुरू किया है तब से उन्हें काफी आराम है और पहले जैसी कोई तकलीफ नहीं है। उनके द्वारा अब दूसरों को भी योगा करने की सलाह दी जा रही है, जिससे जो लोग कई तरह की बीमारियों से ग्रसित हैं उन्हें योग के माध्यम इन बीमारियों को दूर करने में मदद मिल सके। दरअसल नियमित योगा करने से शरीर के अंदर के विषाक्त पदार्थ कम होते जाते हैं और खून में नए सेल का निर्माण होता है। ऐसा होने से शरीर के प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती जाती है। नियमित योग करने से शरीर में संक्रमण नहीं बढ़ता, योग से उसे आगे बढ़ने से रोका जा सकता है। इस मामले में भी ऐसा ही हुआ है। कितने सालों से ग्रसित थे आप इस बीमारी? 1.5 वर्ष से। कैंसर की पहले तो किडनी की बीमारी थी, फिर ब्लड कैंसर की शिकायत हो गई, इसी कारण खून नहीं बढ़ रहा था। डॉक्टर साहब वहाँ भी बोले थे कि योगा में जाया करो, तो गुरु जी के शरण में आए अपने को 3-4 महीने से काफ़ी। कहाँ कहाँ और आपने इसके पहले दवा करवाई? हम पहले तो रीवा में करवाए, फिर नागपुर गए, नागपुर से एम्स दिल्ली, वहीं भी वर्तमान में चल भी रहा है। लेकिन एम्स के डॉक्टर बोले कि आप पहले योगा में भी जाया करो, दवाई भी करो, सभी आपको आराम होगा। क्योंकि गुरु जी के शरण में आए, यहाँ आने के बाद 3-4 महीने से लगातार रेगुलर आते हैं, लोम विलोम, सूर्य नमस्कार, गुरु जी और जो भी करवाते हैं योगा वही करते हैं। क्या मानते हैं कि योग करने से क्या बीमारियाँ दूर होती हैं? योग करने से अपने को फ़ायदा हो, जबकि दवाई कर रहे हैं, दवाई नहीं बंद किए, डॉक्टर बोले दवाई नहीं बंद करना है। लेकिन अपने को शरीर में जो थकान लगी रहती थी, कमर दर्द, हर जगह थकान रहती थी, वो योग करने से अपने को लोम विलोम, कपाल भाती करने से बहुत 80% अपने को उसका बेनिफिट मिला। मेरा नाम योग गुरु प्रदीप मिश्रा, रीवा से। अभी यहाँ से एक कोई मतलब कैंसर की बीमारी थी उनको और यहाँ से ठीक? हमारे यहाँ सेंटर में करीब 3.5 महीने से एक अरुण कुमार पांडे जी जो ब्लड कैंसर से पीड़ित थे और उनको किडनी की भी प्रॉब्लम थी, ब्लड कैंसर भी था। और पहले वो जब स्टार्टिंग में हमारे पास आए थे तो डंडे के सहारे से आते थे, पूर्व पार्षद विजय मिश्रा जी हैं उनके माध्यम से आए थे। और डॉक्टर ने भी, एम्स का डॉक्टर, उनको बोला था कि आप योग ज्वाइन करिए, योग से आपको आराम मिलेगा।
तो पहले तो विश्वास नहीं था उनको, लेकिन जब उन्होंने शुरू किया तो उनके हाथ पैर भी मूवमेंट नहीं कर पा रहे थे। अभी 3.5 महीने से, और हर महीने वो एम्स में जाते हैं ट्रीटमेंट के लिए, उनको इंजेक्शन वगैरह भी लगते हैं, ट्रीटमेंट होता है वहाँ। और 3.5 महीने से करने के बाद उनने जो रिजल्ट आया है, तो अभी परसों लौट के आए एम्स से, तो उन्होंने बताया कि गुरु जी हमारा जो है, तो ब्लड कैंसर डॉक्टर ने बोला कि 80% आप क्योर हुआ है और किडनी में भी आपको फ़ायदा हुआ है। तो उनको आसन है, प्राणायाम है, जितनी भी चीज़ें हैं, सुबह 6 से 7 की जो हमारी क्लास चलती है उस क्लास में वो रेगुलर आ रही है, एक दिन भी एब्सेंट नहीं हो रहे हैं, और अच्छी उनको भूख भी लग रही है, काफ़ी उनको फ़ायदा हुआ है। तो मैं सभी अपने समस्त रिवावासियों से मैं अनुरोध करूँगा कि कहीं भी घर में भी रह करके योग को जरूर अपनाएं। अगर जीवन में स्वस्थ रहना है तो दुनिया का सबसे बड़ा करोड़पति अरबपति व्यक्ति आज वही है जो स्वस्थ है, जिसको कोई बीमारी नहीं है। तो मैं यही सबसे आग्रह करूँगा कि सभी लोग योग को अपनाएं, जीवन को स्वस्थ बनाएं।